वेलकम बैक फ्रेंड्स, अभी देखते हैं ये एटॉमबर्ग फैन मैंने इंस्टॉल कर लिया। अभी देखते हैं कि इसका वारंटी कैसे रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि फ़ैन का जो खासियत है, जो सारे फीचर्स है, उसको उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये रहा एटॉमबर्ग का वारंटी कार्ड, जो आपको इस लिफाफे में लिफाफे के अंदर मिलेगा। वारंटी कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड और ये वाला ओनर्स मैनुअल। तो ओनर्स मैनुअल और ये वाला जो है गोरिल्ला ऐप, हाउ टू यूज गोरिल्ला ऐप, ये हम बाद में आएंगे इस पर। पहले हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्योंकि मेरा फैन जो है वो सही चल रहा है तो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन करने पर ही ऑनलाइन आपको 3 साल का वारंटी मिलेगा, अगर रजिस्ट्रेशन को 2 साल का वारंटी मिलेगा। अच्छा, ये जो प्रोसीजर है, यहाँ पे 3 प्रोसीजर है। व्हाट्सएप के ज़रिए कर सकते हैं, वेबसाइट के ज़रिए कर सकते हैं और फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। हम वेबसाइट जो है उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो वारंटी कार्ड है इसके पीछे आपका एक सीरियल नंबर रहेगा। ठीक है, हाँ, पूरा ये वाला जो है सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर आपको ऑनलाइन देना होगा। और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है जैसे क्या क्या प्रोसेस है, किस चीज़ पर वारंटी मिल रहा है। तो ये सीरियल नंबर आपको ऑनलाइन अगले हिस्से में हम दिखाते हैं इस वीडियो को ही, तो कैसे रजिस्टर किया जाता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रॉक विच ऑलवेज रॉक्स। अभी हम देखेंगे कि ये जो एटॉमबर्ग फैन है, ये फैन को हम वाईफाई के ज़रिए कैसे कनेक्ट किया जाता है, हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इन एडिशन उसमें क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में कि एटॉमबर्ग गोरिल्ला रेनेसा स्मार्ट क्लास जो 28 वाट्स VLDC फ़ैन है, उसका वाईफाई IoT फीचर्स क्या क्या है, कैसे आप अपने होम नेटवर्क से नेटवर्क के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसका जो वाईफाई फीचर्स है वो अवेल कर सकते हैं। तो पहले इसके लिए जो स्टेप है वो हम आपको बताएंगे। वो स्टेप यही है कि ध्यान में रहे, जब भी आप वाईफाई से इस फैन को पहली बार पेयरिंग करोगे, पेयरिंग का मतलब होता है पहली बार इस डिवाइस को ये आपका वाईफाई राउटर जो है रिकॉग्नाइज करेगा, तो उसके लिए आपको कुछ खास सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना है। बस जैसे कि वायरलेस सेटिंग में आप अपना राउटर के गए तो उसमें एक रहेगा कि चैनल, वाईफाई नेम, ऐसा एक पेज रहेगा वायरलेस सेटिंग्स पर। तो यहाँ पे चैनल विड्थ जो होता है उसको आपको ऑटो में डालना है। ठीक है, ऑटो में डालना है और ध्यान में रहे वायरलेस रेडियो भी ऑन रहना चाहिए। SSID ब्रॉडकास्ट मतलब आपका ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क का ऑल्सो कॉल्ड SSID दिख रहा है, तो ये भी ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी इसको सेव करते हैं। सेव कर दिए
और एक चीज वो है आपका ये जो मैक फिल्टरिंग है, ये मैक फिल्टरिंग को भी आपको, ये वायरलेस मैक फिल्टरिंग जो है वो आपको डिसेबल करना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे मानने से ये डिसेबल हो जाता है, तो डिसेबल कर दिया। ये दोनों करने के बाद ही आप पहली बार के लिए कनेक्ट कर पाओगे। ये दोबारा मैं बोल रहा हूँ आपको, मैक फिल्टरिंग डिसेबल होना चाहिए और ये वाला जो है इसमें ये ऑटो होना चाहिए और ये SSID ब्रॉडकास्ट इनेबल रहना चाहिए। सिर्फ इतना करने से ही आपका काम बन जाता है। अच्छा, आगे हम देखते हैं ये पहले आपको जो करना होगा वो है ये गुरिल्ला ऐप डाउनलोड करना होगा। ये वाला ऐप हम आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है। प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए आ गया गोरिल्ला फैन वाला ऐप, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ऐप आपको दिखाई देगा, ठीक है। एटमबर्ग टेक्नोलॉजी का ही बनाया हुआ अपना ऐप है ये। तो इसमें खासियत क्या क्या है यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको पिछले एपिसोड में बताया था, ये इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स करता है, एनर्जी एफिशिएंट है, मिडलिंग ब्लेड है, लेडी स्पीड इंडिकेटर है, रिमोट कंट्रोल टाइमर स्लिप मोड के साथ है, 3 साल का वारंटी भी है, PLDC मोटर भी है, ठीक है। अगर आपका अमेजन इको गूगल होम डिवाइस आपके घर पे है तो आप वॉइस कंट्रोल भी कर सकते हो वॉइस के साथ, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। पहले आपको ये ऐप खोलना होगा। तो खोलने के बाद आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। वो हम कर चुके हैं इसलिए नहीं दिखा रहा है, फिर भी ये रहा प्रोफाइल, ठीक है। मेरा ये वाला प्रोफाइल है। प्रोफाइल को अब जैसे आपका नाम होगा, घर होगा, वो हिसाब से प्रोफाइल बनाइए। पास नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी के साथ आप ईमेल आईडी आप रजिस्टर करने वक्त फैन के साइट पर दिए थे वो वाला ईमेल आईडी चाहिए। और एक फ़ोन नंबर आपको देना होगा यहाँ पे, वो भी आपका रजिस्टर्ड जो फ़ोन नंबर है वही देने से बेहतर होगा, ठीक है। तो होम मैनेजमेंट वो प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद ये होम मैनेजमेंट आएगा, ऐड फैमिली आएगा। तो ऐड फैमिली में मैंने पहले से ही एक फैमिली ऐड किया हुआ है, ये वाला बाबू। तो आइए देखते हैं, ये एग्जांपल फैमिली है, ये फैमिली नाम दिए। फैमिली में रूम मैनेजमेंट का एक फीचर है, तो फीचर में आप रूम मैनेज कर सकते हो। ये बेडरूम मैनेज दिया है, अगर आप चाहो तो इतना सारे रूम है ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी रूम आप मान लो कि लिविंग रूम, ठीक है, लिविंग रूम आप दबाए तो डन करने से वो ऐड हो जाता है। अच्छा, तो अभी जो ये बेडरूम है, बेडरूम में क्या क्या डिवाइस है, तो ये डिवाइस पहले से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहला बात ये है कि आपको कनेक्ट करने के बाद ये जो रूम आपने क्रिएट की है ये फ़ोन पे, ये रूम में ऐड डिवाइस करने से आपको ये फैन आएगा। फैन आने से पहले मतलब नेटवर्क डिस्कवरी करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका वाईफाई नेटवर्क का जो ध्यान में रहे कि ये जो मोबाइल है ये मोबाइल भी सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए, मोबाइल डेटा ऑफ रहना चाहिए, हाँ सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। जो नेटवर्क से आपका ये आप फैन को भी जोड़ना चाहते हो और ये मोबाइल भी कनेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये है अगर हम इसको ऐसे ऐड करें तो ऐसे दिखाएगा,
कि ये वाईफाई नेटवर्क जिसमें वो कनेक्ट किया हुआ है इसका पासवर्ड क्या है। तो कनेक्ट दबाने से आपका डिवाइस डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले और एक चीज़ आपको करना होगा, वो है आपको फ़ैन को रिमोट से ऑफ़ करना होगा। पहले ये आप ऑफ़ कर दिए, और ऑफ़ होने के बाद मान लीजिए ये हम एलईडी ऑफ़ कर दिया लाइट, ये एलईडी वाला जो बटन है इसको आपको 5 सेकंड तक दबा के रखना है, उसके बाद ये फ़ैन पेयरिंग मोड में जाता है। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। ये 5 सेकंड तक हम दबा के रखेंगे इसको, ठीक है। अभी ये जब लिंक किया ये पेयरिंग मोड में चला गया, ठीक है। अभी ये इसका जो मैक एड्रेस है ये भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है पेयरिंग मोड में, तो अभी ये इस पर दिखाएगा। तो इसको दिखाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अभी देखिए ये फैन पेयरिंग मोड पे है, ठीक है। फैन पेयरिंग मोड पे है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड डिवाइस करते हैं। ऐड डिवाइस पे क्लिक किए, इसका पासवर्ड जो भी है हम अब ये कनेक्टिंग दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये कनेक्ट हो गया, ये सिग्नल दे रहा है कि वाईफाई के साथ जुड़ गया है, और हम यहाँ भी ये देख सकते हैं ये डिटेक्ट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका वाईफाई फीचर जो है वो टेस्ट करेंगे। तो इसको पहले सेव करते हैं, सेव कर लिए। अब ये फैन पे जाते हैं, ये फैन का ये सारे फीचर्स है। पहला फीचर टीचर ये है कि ऑन ऑफ, ऑन कर दिए तो ऑन हो गया। दूसरा फीचर ये है कि आप कोई भी स्पीड सेट कर सकते हो, जैसे कि ये एक, ये हुआ एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। अभी हम बूस्ट दबाएंगे तो बूस्ट में आएगा आपका 6, एल ई डी जो है एल ई डी, अब एल ई डी ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। जो है ये ऊपर का स्पीड है ये ऑन ऑफ है, ये बूस्ट है बूस्ट में एल ई डी जो है ऑन कर सकते हो, उसका फिलहाल एल ई डी ऑन है तो हम उसको ऑफ कर देंगे। जब भी देंगे एक वहाँ पे सिग्नल आपको सिंपल मिलेगा, पहला ये 1 घंटा, दूसरा है आपका 2 घंटा, उसके बाद है 3 घंटा, उसके बाद है 6, 1, 2, 3, 6। और स्लीप मोड भी है, स्लीप मोड देने से ये दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ये रहा फैन का सारे फीचर्स, पूरी वीडियो आपको काम में आएगा। तो फ्रेंड्स देखते रहिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टाटा।